पंचायत नियोजन इकाई, प्रखंड नियोजन इकाई, विभिन्न तरह के जो नियोजन इकाई बनाई गई है उसको तोड़ करके एक एक जो है रिकमेंड बोर्ड की स्थापना की जाए और एक ही आवेदन लिया जाए और वहां से ही बना करके और मेधा अंको और हम जो है नियोजन इकाई में हम भेज देंगे और वहां से साफ सुथरा बहाली की जाएगी। जी सर, जैसे कि सर आपने यहाँ पे कहा है कि रिक्रूट बोर्ड जो है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है, इस तरह की वार्ता चल रही है, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन जो भी है जो सिस्टम है इस सिस्टम को कहीं ना कहीं देखते हुए शिक्षा विभाग चाहती है कि वैसे तो मुझे लगता है कि टीईटी के बेस पर ही बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन जो हम सभी इतने सारे फॉर्म अप्लाई करते हैं और दौड़ भाग करते हैं, नियोजन इकाई में जाते हैं, यदि ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म लिया जाएगा सातवें चरण में, और सातवें चरण की बहाली बहुत जरूरी भी है बिहार में, क्योंकि आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि मेरे को तो लगता है कि कम से कम 2 से 2.5 लाख पद खाली है, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो, प्राथमिक लेवल की, चाहे वो माध्यमिक लेवल की हो, चाहे वो उच्च माध्यमिक लेवल की हो। तो सातवें चरण के लिए जो हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, 2019 दिसंबर सीटेट क्वालिफाई किए, उसके बाद जनवरी में एक बार सीटेट लिया गया था वो भी क्वालिफाई किए 20 में, उसके बाद अभी फिर से सीटेट लिया गया है, उसका भी परिणाम मुझे लगता है कि 15 से 20 दिनों में आ ही जाएगी, तो वो साथी भी इसमें आएंगे। और एक बड़ी उपलब्धि मैं बताना चाहूंगा सातवें चरण के लिए कि बिहार सरकार के द्वारा डोमिसाइल लागू किया जाएगा, और डोमिसाइल जैसे ही लागू होगा तो बिहार के तमाम जितने भी हमारे साथी हैं उनका वहां पर क्या होगा, चयन होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है, ये कह रहे कि हमारा तो काउंसलिंग हो गया है और फिर से इनको कॉल आ रहा है कि आप काउंसलिंग करवाने के लिए आइए। तो देखिए, इस तरह से आप किसी भी भ्रामक खबर पे विश्वास ना करें, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आपका काउंसलिंग हो गया है, आप चैन से घर में बैठिए, नियुक्ति पत्र के लिए आप जाइएगा। तो हमारे साथ अमित जी जुड़े हैं, अमित जी के पास में मैं जाना चाहूंगा, उसके बाद में फिर आपके पास में आऊंगा सर। अमित जी आपको क्या लगता है सर, जिससे आवाज नहीं आ रही है क्लियर? हेलो सर, आप माइक बंद कर लीजिए, बंद कर, जब आपकी बारी आएगी तब आप माइक ओपन कीजिएगा, अभी माइक आप बंद कीजिए। मेरा कहना ये है कि आप भी एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं और अब समय बहुत नजदीक है 25 फरवरी। आपके जिला का क्या स्थिति है, सुपौल जिला का? सर देखा जाए पिछले काउंसलिंग से ही हमारी सुपौल जिला का जो है स्थिति तो बढ़िया है ही, उसमें काउंसलिंग में भी थोड़ा सा 2-3 जगह ही बाकी रहा है, जो तीसरे चरण की काउंसलिंग होनी बाकी है, वो शायद 1-5 में 3 जगह बाकी है। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर के कई बार डीओ साहब से हमारे मित्र लोग भी और मैंने भी कई बार बातचीत की है, तो उसमें मुझे दिखता है कि सकारात्मक उन लोगों की प्रक्रिया चल रही है, वास्तविकता क्या है तो हम लोग अंदर से नहीं समझ पा रहे, लेकिन जैसा उनका ये सुनने को मिलता है कि जो आप लोग बहुत अच्छा चल रहा है, लगभग जो राज्य का काम है वह पूरा हो चुका है, बाहर वाला बाकी है, तो अब हम लोग सकारात्मक रूप से अगर लगे रहते हैं तो उससे हम लोगों को जरूर फायदा होगा और एकजुट होकर के अगर बने रहेंगे तो शायद उन लोगों के ऊपर में ज्यादा दबाव रहेगा तो वो हम लोगों के प्रति सजग रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सुपौल जिले में जिन जिन लोगों का चयन हुआ है वो सभी एक साथ जुड़ करके इसमें लगे रहे, और जो भाई बंधु इसमें कहीं से छूट रहे हैं या किनका मेधा अंक कम है तो वह भी निराश न हो, और आपस में भागा दौड़ी से बढ़िया है कि आगे एकजुट होकर के एक प्रयास किया जाए ताकि सरकार हम लोगों की जो अगले चरण की सुनने में आ रहा है सातवें चरण की जल्दी से जल्दी होने वाली है। संजय सर का भी कई बार बयान आया है कि छठे चरण खत्म होते ही सातवें चरण के बारे में तुरंत निर्णय लिया जाएगा,
तो अगर हम लोग सजग रहते हैं तो सातवें चरण का भी और संजय सर की भी इस बार देख रहे हैं सजग हैं तो जल्दी से जल्दी हो जाए हम। और सातवें चरण में एक और फायदा है कि डोमिसाइल होने वाला है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इससे काफी फायदा होने वाला है। मैं चाहूंगा जो सभी एकजुट रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं और क्या कहूँ सर, अभी तो जी सर जी आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। आपने यहाँ पे माइक बंद कर लीजिए सर। जैसे कि आपने यहाँ पे कहा है कि हमारे अपर मुख्य सचिव सर संजय सर आज जो है वो मेरे को मैसेज के माध्यम से भी जवाब दिए हैं और उन्होंने अपने ट्वीट के साथ भी कुछ लिखा है जो मैंने आप सभी को दिया था। आज सुबह सुबह अखबार के माध्यम से ये खबर छपी थी कि 80,000 प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होगी और अगस्त में होगी। तो देखिए अगस्त में होगी या मई में होगी या मार्च में होगी या अप्रैल में होगी, ये तो कोई निश्चित समय अभी नहीं बताया गया है। संजय सर भी यही कहे हैं कि छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण हो जाती है तो सातवें चरण की बहाली के लिए हम लोग आगे आएंगे, यानी कि हम लोग सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं सातवें चरण वाले साथी, लेकिन आप लोग प्रयासरत रहिए, अभी से एकजुट रहिए। कहीं से भी कुछ भी खबर आप लोगों को पता चलती है तो एकजुटता से आप लोग मैदान में आइए, जिससे कि सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया ससमय हो और एसटीईटी की बहाली की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से होगी जैसी छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया संपन्न होगी। सातवें चरण की बहाली के लिए मुझे लगता है कि बिहार सरकार जरूर आगे आएगी। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक हमारे अनिल जी हैं उन्होंने किया है क्वेश्चन कि इन्होंने प्राथमिक में जो है वो अपने आप को चयनित करवा लिए हैं, यानी कि प्राथमिक में इन्होंने काउंसलिंग करवा लिया, अब ये जाना चाहते हैं 10+2 में। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप को वहां पर जहां पर आपका चयन हुआ है जाना होगा, डीओ सर से बात करना होगा, आपको वहां पर एफिडेविट बना के देना होगा, उसमें आपको ये लिखना होगा कि मैं यहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, यानी कि आपको अपनी दावेदारी वहां से खत्म करनी पड़ेगी, तभी आपको वो सर्टिफिकेट देंगे, तभी आप 10+2 में जा पाइएगा। तो मुझसे ज्यादा आपको डीओ सर बताएंगे, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाइए और वहां से आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं या आप अपना डॉक्यूमेंट वापस लेना चाहते हैं तो वहां से आपको जरूर मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सुनील कुमार जी, मैंने देखा था कि लेटर वायरल हो रही है और आपने डीओ सर से बात भी किया है, आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थी साथी हैं उनको? सर मैं आज ही शाम में अपने मोतिहारी जिला शिक्षा पदाधिकारी से वायरल जो लेटर हो रहा है उसके संदर्भ में बात किया, तो उनका साफ कहना है कि ये उस लेटर के बारे में उन्होंने अनभिज्ञता जताई और उन्होंने कल के दिन यानी 24 जनवरी के दिन जिनका भी काउंसलिंग है पूर्वी चंपारण जिला में, साइंस हो इंग्लिश मैथ हिंदी वगैरह जो है, तो जो पूर्व का निर्धारित शेड्यूल है पूर्वी चंपारण का उसके हिसाब से आप लोग स्थल चयन करें और वहां पे ना जाए काउंसलिंग करवाइए। आज पूर्वी चंपारण का जो लेटर वायरल हुआ है वो फर्जी लेटर है, उसमें कोई सत्यता नहीं। जी सतीश सर, सर आप पिछले बार जैसे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई थी सामाजिक विज्ञान की, उसमें आप वहां पर मौजूद थे, जो हमारे साथी कल जाएंगे तृतीय चक्र की काउंसलिंग में उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो अभी हाँ सर बोला जाए क्या संदेश देना चाहेंगे? कम मेधा अंक वाले साथी अपने आप को कैसे सुरक्षित करें? कम मेधा वाले अभ्यर्थी बारीकी से जिस नियोजन इकाई में वो जाना चाहते हैं उस नियोजन इकाई में पहले
कोटिवार रिक्ति का अध्ययन कर लें और रिक्ति के अगेंस्ट में उनका मेधा सूची में क्या स्थान बन रहा है, और मेधा सूची में यदि अभ्यर्थियों का एड्रेस पता यदि लिखा हुआ है तो उसको समझने में ज्यादा आसानी होगी कि स्थानीय लोग कितने हैं वहां। यदि नहीं है तो वहां पर वो लोग प्रेफर दे सकते हैं उस नियोजन इकाई में काउंसलिंग करवाने के लिए, अन्यथा अगर यदि है तो फिर अपने मेधा के अनुसार वो दूसरे जिले का विकल्प भी तलाश सकते हैं, दूसरे जिले के रिक्तियों पर भी अपना मन बना सकते हैं जाने के लिए। यदि आपको लगता है आपके जिला का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की क्या स्थिति है, क्योंकि आप लगातार डीओ साहब से मिलते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, क्या वो कहते हैं आपको? जी सर, मैं परसों यानी गया था और सर्टिफिकेट जांच के संदर्भ में मैंने उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि बिहार से संबंधित जितना सर्टिफिकेट है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, वो सारा जांच फाइनल हो गया है। बाहरी राज्यों का सर्टिफिकेट जांच का काम अभी चल रहा है, तो सर्टिफिकेट जांच के बारे में यही सूचना है। जी, हमारे साथ वैभव किशोर तिवारी जी जुड़े हैं और मुझे लगता है कि अपने जिला में बहुत खगड़िया समाचार मोतिहारी जिला का चौक। सर आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। माइक बंद हो गया सर आपकी। चल रहा है ग्रुप ग्रुप में भी जो मैसेज घूम रहा है, एक मोतिहारी जिला का पूर्वी चंपारण मोतिहारी का जो 24 तारीख का कैंसिल वाला, वो गलत न्यूज चल रहा है सर। और मैं अपने अभ्यर्थियों को सूचित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अपने नए समय पर ही होगा। जी सर, इसके लिए हमारे साथी ने डीओ साहब से वहां पे बात भी कर ली है, उनका वीडियो मैंने भेज दिया। जी धन्यवाद सर। जी, और जैसे कि हमारे साथी यहां पर पूछ रहे हैं, उनका प्रश्न है सातवें चरण में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए, सातवें चरण की जो बहाली की प्रक्रिया कैसे होगी, किस आधार पे होगी, उसके लिए अभी मैं आपको पहले ही बता दूं तो सही नहीं रहेगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि पटना हाईकोर्ट से ये आदेश पारित किया गया था कि इस बहाली में तो नहीं, लेकिन आगे में जरूर जो है वो मिलेगी। एक साथी का कहना है कि जैसे पूर्णिया में उनका काउंसलिंग रद्द की अनुशंसा की गई है, तो सर्टिफिकेट मिला कि नहीं। देखिए, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास में नहीं है। आप लोग इस तरह की यदि बात को जानना चाहते हैं तो डीओ साहब से लगातार फोन पे बात कीजिए, अपने पूर्णिया जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे। एक प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है कि जिनका नियोजन रद्द हो रहा है उसका कब होगा। देखिए, जिनका नियोजन रद्द हो रहा है उसका कब होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। जब शिक्षा विभाग ने कोई लेटर ही जारी नहीं किया है तो मैं आपको कैसे बता दूं कि इसका कब होगा। लेकिन इतना तो सबको पता है कि ये लास्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया है, आगे नहीं होगी। तो इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जहां रद्द हो गया है, तो आप लोग वैसे भी कई जगह जा रहे हैं अपने काउंसलिंग करवाने के लिए, और सर्टिफिकेट उनसे लीजिए और काउंसलिंग करवाइए, और नहीं तो वहां के डीएम और डीओ साहब से वार्ता कीजिए और बोलिए कि ये कैसे रद्द हो रही है, जब हम लोग सब कुछ पारदर्शिता से काउंसलिंग करवाए हैं तो ये किस आधार पर रद्द किया जा रहा है। एकजुटता में बल है, ये मैंने आप सभी को पहले ही बताया है। जैसे कि पूर्णिया का मामला है और वहां पर हमारे साथी 300 लगभग जो है वो सेलेक्ट हुए, और 300 साथी यदि वहां पर डीएम कार्यालय के पास पहुंच जाते हैं, डीओ कार्यालय में पहुंच जाते हैं, तो क्या होगा। 7 दिन में उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट आना है, 7 दिन से ज्यादा हो गया, पिछले वीडियो में हमारे पूर्णिया के साथी जुड़े थे। तो आप लोग जमीनी स्तर पे काम नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। मैं तो ज्यादा से ज्यादा फोन कर दूंगा उनको।
और हमारे साथी का प्रश्न है कि 63% है इनका 1 to 5 के लिए। देखिए बीसी कैटेगरी के हैं, कोई भी नहीं बता सकता है। यदि ऊपर से भगवान भी नीचे उतर के आ जाएंगे और आपको बता दे कि आपका 100% हो जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता है। ये तो डिपेंड करेगा जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और वहां पर कितने